अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करते हुए अपनी नजरें विंड स्क्रीन पे मरकूज रखें। रियर व्यू मिरर को हर वक्त देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइड व्यू मिरर्स पर खास तवज्जो दें, क्योंकि उसमें आपको वो लोग नजर आएंगे जो आपके शाना बशाना आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, जिनको आपके साथ की जरूरत है। इसके बावजूद अगर कभी रास्ता धुंधला जाए तो अपनी आंखों को आंसुओं से धो लिया करें। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं चौधरी साहब के डेरे पे और देखते हैं इस वक्त वहां क्या हो रहा। की हाल है हारून? मैं ठीक हूँ। एक पहले तो ये बताइए, कोई फेस्टिविटी लग रही है, ये कमकमें क्यों जल रही? जरा नासा दे बिच हल्का हल्का हादसा ना जी जी, इतो मैंने समझ आ रही है भी तेरे जेन जे होना भी चौधरी फेर कोई काम करने लगा इदा ही यही यही बात। लेकिन नहीं, फिर ऐतकी फलाही काम हो रहा है। ओया पिंड दे बिना मेरे मुजारा दित्ता। अच्छा, ओदी ती दा ब्याह भी ओदी ती का दी साडी ती है। बेशक बेशक, ये जगह मैं उन्होंने दी है भी तुसी इथे शादी ब्याह करो, खुशियां गमियां, ये मैं हुन वक्फ कर दीती जगह। ये बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आप हमारे फेवरेट हैं और बार बार हम आपके पास आते हैं। आज क्या है, मेहंदी है, बारात है? ना, बारात आ रही है अल्लाह दे फजल नाल। अच्छा, वाह 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 वाह, पैसा उन्होंने कोले एक नहीं लिया। नहीं जी, पैसा लेना बनता भी नहीं गा, चोरी दी शान ही नहीं पैसा लेना। ना कदी भी ना। लाइट भी साडी है। वाह, आ कुर्सियां मेज भी मैं कोलो मंगाए। भाई बहुत खूब भाई, आज तो आप और हमारी नजरों में अजीम हो गए। अल्लाह कहते मैं अचानक ना कहते भी साडी नजर तो गिर गए। चौधरी साहब, यही चीजें आखिरत में आपके काम आएंगी, इन करीब आपके काम यही चीजें आएंगी। हाँ। यानी तेरे हिसाब ने बलीमे वाले दिन मेरा जनाजा है। नहीं, तेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया। मौत से डरते क्यों? हाँ, तू तो सवेरे खंजर मार के आना करो। और जंज गां हो के वेखो अज तक क्यों नहीं आई। हाँ, रोटी कटनी नहीं चाहिए, कुर्सियां ध्यान ना ला दो। चौधरी साहब, पिछे सारी रोटी लाओ तुम। आ गया दिता जी। और चौधरी, किन्नी तेरी उम्र हो गई है? बस छड़ के बरात पैदल लाया। पैदल यार, कितनी दूर से आ रही है बरात? 6-7 गलियां छड़ के आ। 6-7 गलियां छोड़ के तो पैदल आ जाए। और जंजा जड़ियां बरातां वा, तुहानू पता गड्डियां ना सोहणियां लगदियां। अंधे बहुत आ हारून। कितने लोग हैं? है 8-10 है। नहीं, 8-10 बंदे आ, फिर भार ना पेंचर ते होनी सी ना बस। और दित्या चलो वेख नाई की करन दिया। मेरे हिसाब नाल ना इहदे चों भी 3-4 बंदे छत ते होने हैं। किन्नी 72 सीटर है? 72 सीट। 72 सीटर जी, जदों तू 10 बंदे बाड़ेगा पेंचर तो होनी है। जिड्डी वड्डी बरात है, अद्धे ते उल्टियां करदे होणे, इन्ना रश अंदर। ਦੀ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਧੋਤੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੰਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਆਪ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਪਕਾਉਣ ਦਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲਾਕੀ ਨਾਈ ਲਾਕੀ ਲਾਕੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਚੌਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੰਨੇ ਪਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਗੰਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਂ ਡਾਲਨੇ? ਗੰਨੇ ਨਾ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਗੰਨੇ। ਉਹ ਚਬਲਾ ਜਿਹਾ ਗੰਡੇ ਪਾਉਣੇ, ਗੰਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਪਾਤੇ। ਭਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮਿਰਚ ਵਧਾ ਦੇ। ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾ ਛੜੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਆ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਬੈਠਾ ਚਾਈਨੀਜ਼। बहुत खांदे, मैनूं पता ना मेरा खानदान। चौधरी, मेरी अज्ज दी गल याद रखी, असीं भी तियां पई आं। तेरा खाना घट जाणा। पकाउण वाली गल करो यार, मेरे कोल टाइम थोड़ा हो। यार पता दे कर दित्ते आ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਕੂਰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਸ਼ਾਂ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖ ਜੰਮ ਗਈ ਜੇ ਯਾਰ ਏਡੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਜੰ
मसाला गलत पा बैठा यार। कौन सा मसाला डाल दिया? छे चार का मसाला पा बैठा।
ਏਡਾ ਅੰਨਾ ਨਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਦੀਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਚੌਥਾ ਮੁੱਠਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੌਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੋ, ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ। आपने हार क्यों नहीं पहनाया? अब बरात दे नाल मौजूद बंदा आया ही कोई नहीं। क्यों ये हो जाए चबलपना नहीं करी दामदा? आहो ले मुंडिया रूह फड़ के लिया नक च दिए। सब ठहर जाओ, की हो गया? अगी मिलनी करनी होंगी पहले। अपना आ मुंडा कौन है जी? ये मेरा बड़ा जवाई है। एक मिनट जी, बस करो बस करो। तेरे तो भी बड़ा। ओ तू तो परे हो उधर, बेच पड़े है तू। आ चल सब आ गया, इन्हू मुंह की लालो, तू सिर ते चढ़ जाना, बैठो इथे। बबो बबो बस बे, सरैया बहुत होगी। की होया है? मैं कहना अखीर हो गया, मेरे तू कखा तो होला कर देता है। मैं की किया है? ओ जे ओ नहीं बहना सी पहले तो मैं इस ब्याज की लेना है। देखो खास तौर पे जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं, रंग में भंग डालना जी। अब तू साडा भी जवाइया और रौला एडा कोई नहीं। आ, नहीं नहीं आप फड़ के रख। मैं तेरे सिर ते चादर देनी आ। चादर देनी? मेरे वाल बाहर आए ने। ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਡਈ ਏ। ਉਹ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਦਰ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੁਗਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਮਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਨਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੌਫ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਾਨੇ ਕੋ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜਨਾਬ? ਹਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੇ ਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ 700 ਦੀ ਵੇਚ ਨਾ ਦਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਓ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੋਤੀ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਆਹ ਤੇ? ਓ ਕਾਕਾ, ਹੋਇਆ ਵੀ ਓ ਕਾਕਾ, ਐਦਾਂ ਨਾ ਲੜ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਤੋਤੀਆਂ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਕ, ਦੋ ਲੈ। ਓ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿਓ। ਓ ਬਈ ਆਪਕਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਤੋ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਓ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਲੈ ਲੈ। ਐ ਵੇਖ ਨਾ, ਮਖੌਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ? ਆ ਪੁੱਤ ਆ ਲੈ ਲੈ। ਓਏ ਉਧਰ ਬੈਠੋ, ਆਰਾਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਸੇ, ਚਲੋ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਈਓ ਬਾਈਓ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੋ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਇਓ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਕ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਅਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆ? ਅਬ ਕੀ ਅਜ਼ਿਆਤੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਬਾਈ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਤੋਂ ਮਤ ਕਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਬਹਿ ਯਾਰ, ਭਾਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਚਵਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੈਠਣੇ ਵੀ ਦੋ ਨੇ। ਉਹ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਵਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹਿ। ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਣਾ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ। ਓਏ ਸ਼ਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਆਹੋ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਚਵਲਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ? ਮਸਾ ਮੰਨੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਵਾਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਰਾਤ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੂੰ ਯਕਦਮ ਕੋਮੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡ ਕੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋ ਇਸਕਾ ਸਾਰਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਮੇਕਅਪ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰੂਨ, ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਕਾ ਯੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨਾਨਾ ਪੜਾ ਹੋਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਤਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਵੋ ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਨਾ ਖਾਂਸਤੇ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ, ਤੋ ਵੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਬ ਹਮ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੋਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਣਵਈਆ ਸਭ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਾਈ ਵਾਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਕਾ ਬਣਾ ਲਾ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ,
आप क्यों जहेज मांग रही? क्या वजह? अपनी बेटी दे रहे हैं आपको, अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं। ओहो, सानू थोड़ा दे रहे, अपनी टी नू जहेज दे रहे ने। अबे क्या आ गल हुंदी फिर? ओ देखो ने तोती इंज रखी जी, मैं बाह ते पलस्तर होया हुंदा ना। ओ मेनू ए दसो पक्का की आ? ओ पा सारा कुछ ही पक्का आ। आ गई जंज? आ गई आ। और तैनू असीं भांडर नजर आंदे आ। तैनू जंज लगदी नहीं तैनू भाई? क्या ओ बंदा क बंदा नहीं देखदा फस पैंदा? बरात बूए दे हुण माचिस मंगण दिया। मेरी बात सुनो, जाके देखो वो देखूंगा क्या अशर कर रहा है। यार हो सकता खाना ठंडा हो गया, मैं वेख के आना वाकई। ਲਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਓ ਭਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਕਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਵਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈ ਤਕੀਰ ਨਾਸਰ ਦਿਆ ਸਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਆ। ਆ ਵੀ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀ ਆ? सारा कोई पक्का, चिकन पक्का, जर्दा पक्का, है नान मैं ताजे लवा रहा, तेरे लिए मैं जहर भी ले आंदा। लो जी ये तो हो गया मेन्यू। हाँ। मैं पता लग गया पक्का की है। मेरा मुंह पक्का, मैं दोबारा पक्का, मेरा मुंह पक्का। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਵੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਵਾਹ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਮਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ। ਇਹ ਪਕਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਲੋ ਚੋਰੀ ਜੀ, ਜਰਦਾ ਬੇਬਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਕੋਰਮਾ ਬੇਬਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਲੱਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਲੱਕੜਾ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੈਸ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਲਾ ਫੈਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਚੋਰੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਲੱਕੜਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ। ਤੋ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ। ਚੀਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ, ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਓ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੀ, ਅੱਬੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ, ਵੇਖ ਭੈਣ ਆਈ ਨੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ? ਆ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾੜਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਟਾ ਮਾਰੋ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਧੀ ਰਾਣੀ? ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਚੱਲ ਲੈ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿੰਤਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਲਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਮੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੁੱਸ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਣਾ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ? ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪਰਾਏ ਘਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਬਹਿ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ, ਬਹਿ ਕਾਕੀ, ਬਹਿ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਬਹਿ। ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪੱਕਾ ਕੀ ਆ? ਪੱਕਾ ਕੀ? ਪੱਕਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਦਰ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, 6 ਲੱਖ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ 6 ਲੱਖ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚੋਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਈ ਮੈਂ 20,000 ਲੈਣਾ, ਰੱਸਾ ਰਕਾਈ 10,000, ਜੁੱਤੀ ਲਕਾਈ 20,000। ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਗਰਾਹੀ ਤੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਚੋਰੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ, ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਹੈਲੋ, ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਪਈ ਰੋਟੀ?
पक्का पैसा तेरे को बहुत है। ओए हुण बंदा घर च गल भी ना करे। चाचा जी गल पुछनी तुहानू जनाबे ली, इत्थे मुंडा वेण आई है बांदर किला खेडण आए। लिया लिया मेरा पुत, ये दूध नाई लेकर आ रहा है। साढ़े ही कुड़िया नी सामने आंदी है, नाई पिया है। नाई और मिठा पाया लिया की? मिठा पाया चाचा, मैं राह चलता पी के आया। हेलो एला भी लड़ तो नाई का प्यार वाजे नहीं। 20,000 रुपया रखो, मुंडा दुध पी लिया। 20 जावे बस, एक गिलास सुट्टी ना इन्हें दे देना। तमाशा करया करी, इत्थे रख दे, इत्थे रखो, अगे रख देना हुंदा इत्थे। रोटी तैयार है चाचा? रोटी का फिक्र ना करो। वाह, ये मैनू दसो कि मिट्टी का तेल कित्थे पिया? लख लाना तो जंज नू। भी हजार दुद्ध हो गया, 10,000 रस्ता रखाई तो जुत्ती लगाई, 20,000 50,000 दे दियो मैनू। और यार तेरा रुपया एक आना भी नहीं रखांगे, तेरा सारा कुछ दे के जावांगे। अगो कुछ ना कही, मैं तुम दस पक्का की है? हाँ पक्का, हाँ पक्का। चलो भैया काका और नहीं देना तो देन, फिर मैं पैसे क्यों नहीं दे रहा हूँ? 10,000 बनता साडा, दियो जी। और जवाई भाई दियो, चढ़ चढ़ के गल्ला करता बास्कट पाई आ हरिया काउंसलर, दे पैसे। हाँ गल्ला तो सही देना, क्यों नहीं हूं ये मेरे बनते ने 50,000 देना। तो क्यों दाल, तू आया नहीं जंज दे? सरिया टुर पै। हाँ जी चौधरी साहब हो ही नहीं सकता, उन्होंने पैसे लिए। मेरे को यकीन करो, कसम चुका लो, मैं पैसे दिते है। किसको दिए? जरा काम इन दिते है। और तुमने लिए रखे पैसे? आहो सारे हुण मुफ्त दे दी हवेली, इन्ना खर्चा साडा। ये 2-4 फंक्शन इत्थे होर होए ना, ये मेरा मुंडा निकलेगा। क्यों? फैसले जो कर रहे हुण दस, कौन सच्चा ते कौन झूठा? किन्ने पैसे लाए इन्हां कोलों? 25,000 आ फड़। मेरा ख्याल क्या हुआ चोरी साहब? बच्चे दी गलती है जी। आओ जी यार चोरी साहब। नादरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये चौधरी तो बहुत सील निकले है। मेरा दोस्त है जी गोगा दूध दही वाला। क्या क्या चीज है तुम्हारे पास? सर मेरे को देसी घ्यो। ते भाजी तुहानू अपने घ्यो लड़िया तुहाडा। अच्छा जी आप कौन है? हम पसेंजर जी। पसेंजर है तो बप्पी लहरी का साला है। तेनू बहा के दही लैन गया हाँ। अरे बैठा ही लैन गया। वेलकम बैक नाजरीन जी। इर्ज़ा क्या खबर है आज? खबर है कि ड्राइवर ट्रेन खड़ी करके दही लेने चला गया। हुआ ये कि काना काचा के करीब इस ड्राइवर ने ट्रेन को रोका और दही की दुकान पर चला गया, और 2 घंटे न जाने क्या करता रहा कि दही लेकर वापस भी नहीं आया। उन्हें क्या होना, ताजा जमा के दे। वो लगता है घर अपनी बेगम को देने चला गया। हाँ हो सकता है, लेकिन उसको मुअत्तल कर दिया है खैर उन्होंने। अच्छा जी ये वो ड्राइवर साहब है। मैं ड्राइवर जी। 2 घंटे तो दही लेंदा रहे, आकड़ तेरी पी आई अली है। बड़े बड़े वजीर जेड़े आ कितों कितों भिंडियां मंगाउंदे आ, उदों नहीं तां कितों रेशमी कबाब आ रहे आ तुर्की तों, उदों नहीं तुहानूं तां इक ड्राइवर ने दही ले लिया तां कर दित्ता तुसीं। अच्छा हारून साहब, दही के बारे में कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है दही खाने के लिए। जी हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये बहुत सोचा जाता है चीज़ों के बारे में कि कौन सा वक्त है, जैसे रागों का वक्त होता है ना। हाँ। तो सुबह के वक्त ये खाना है, शाम के वक्त ये खाना है। वैसे तो ये ख्याल करना चाहिए कि जो भी चीज़ आपके स्टमक के लिए बहुत हैवी हो, डाइजेशन के लिए, वो रात के वक्त ना खाएं। जाओ कि दिनों को काम मत है, अपना कार को रहा है, लंबी है गल। मेरा दोस्त है जी गोगा दूध दही वाला। क्या क्या चीज़ें तुम्हारे पास? सर मेरे को देसी घ्यो। ते भाजी तुहानू अपने घ्यो लड़िया तुहाडा। ऊंट दा, बकरी दा। ऊंट का तो दूध नहीं होता, ऊंटनी का। ऊंटनी का देखो तुसी पागल करता। अच्छा जी आप कौन है? हम पैसेंजर जी। पैसेंजर है तो बप्पी लहरी का साला है। तेनू बहा के दही लैन गया हाँ। अरे बैठा ही लैन गया। भाजी मैनू बचपन से शौक है जी ट्रेन चलाउन दा। अच्छा। मैं मुंह ना चलाउंदा ना महल्ले। और अब तुम इंजन में बैठ के क्या करते हो? यही कहना ना, जब छोटे होंगे सिंगर बनने का शौक है, बंदा सिंगर बनता, किसी को पायलट बनने का शौक है, किसी को मरासी बनने का शौक है। कहां जा रहे थे आप? इन्हें मेरी ट्रेन च 3 आइटम सॉन्ग किए ने ए बंदे ने। अच्छा झूठ बोल रहे, यदि मेहरबानी यदि वजह तो पैसेंजर बैठे रहे। अब भाई आप कौन है? अच्छा कराची से चलाऊं।
पैसेंजर हूँ। ठीक है, हर जगह रास्ते में गाड़ी रोकी इसने, शिकारपुर में गाड़ी रोकी। और यदि वजह से रोकी थी, कहना रोको मैं मांग लवा थोड़ा जी। अच्छा दुकान जब बंद करते हो ताला चाइना का लगाते हो या दूसरा? यार किसी तरह मुंह नु ताला नहीं ला सकते। जब तुम दही के पास जाते हो, दही पहले से जमा होता है या तुम्हें देख के जमता है? यार पहले जमे आवे, बाद च जमे आवे, तू मामा लगदा है। वाओ गुस्से में ऑफ ब्राउन हो गया। बहस कर किलो दही दे फारक कर बिच। यार किलो दही किदा देता, उसको ट्रेन ही है नहीं। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारे दही पे मलाई वाइट होती या ऑफ वाइट? तू सूट सवाना। ओ तू कहदे ने दही बारे पूछी जांदी एडी, तू आप ही ज़बैदा। अरुण इस वाक्य से एक और वाक्य याद आ गया कि स्पेन में एक दफा एक ट्रेन ड्राइवर, तो उनको डोमेस्टिक वाक्य याद नहीं आता। ए दाने साहब किलो दही लेना तो खांदे आधा किलो ही, बाकी कहां जाता है? आधा किलो तो मुछन लग जाता है। एने आमदन नालों ज्यादा सासे। ए कि बीन बजती हो उसे खड़ोते तो नहीं, क्यों इतों ना सप निकल आवे। क्या मतलब वाक्या हुआ? और आप बता रहे थे स्पेन वाला वाक्या ये हुआ कि स्पेन में एक ट्रेन ड्राइवर जो है वो बीच राह में उसकी शिफ्ट खत्म हो गई और वो ट्रेन वहीं पर ही रोक के चला गया, लेकिन लॉ ने उसे प्रोटेक्ट किया क्योंकि उसकी शिफ्ट का टाइम जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका था ऑलरेडी। मैं तो यकीन करो यह ड्राइवर लभना नहीं पूरे रेलवे नु। क्यों? मैं सवारी नु घर तिकर ला गया ना, वारी मुड़ ही नहीं सकती, नीचे ट्रैक्स होते हैं, क्यों नहीं मुड़ सकती? ये पाकिस्तानी ट्रेन है, जिधर मर्जी ला जाओ। ट्रेना तो लंबी आदि देखो, कहीं ट्रेन कभी एन चली जाती कभी एन। ये सलां की ट्रेन है तेरे को। लेकिन हारून साहब पाकिस्तान में क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही रेलवे के सेक्टर में? इससे भी टूरिज्म कितना प्रमोट हो सकता है? टूरिज्म अगर आपने देखना है कि रेलवे कितना प्रमोट करता है तो आप कभी स्विट्जरलैंड में देखिए, रशिया देखिए, रशिया में देख लीजिए, स्विट्जरलैंड में तो खास तौर पर अगर आपने उस ट्रेन में सफर नहीं किया तो वो कहते हैं आप समझें कि आप दुनिया में आए नहीं। पहले लोग रशिया के निजाम की आप बात कर रहे हैं कि वहां पे वो लोग ऑफर लगा देते हैं कि जो पुश्किन का एक शेर सुनाएगा वो पूरा दिन फ्री सफर करेगा। हमारे यहाँ पे फैज अहमद फैज एक्सप्रेस इन्होंने शुरू की है, लेकिन उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं किसी की। लेकिन अभी जो सफारी ट्रेन चलाई है वो बहुत शानदार, उसमें अगर आप सफर करें तो बच्चों के लिए बहुत सी उसमें अट्रैक्शन। देखो जो बंदे कितने भी नहीं जाना होता स्टेशन से मिले किधर मैं रसाला पढ़ने आया हूं। पाकिस्तान रेलवे का निजाम बड़ा अच्छा होता सी जी, हुण थोड़ा जिहा खराब होया है। थोड़ा सा जी, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा निजाम खराब है। यही सुनना चाहता सी मैं, कहा थोड़ा जिहा कहांगे ज्यादा कहणगे। मैं छांगे मांगे ट्रेन चलाई 3 साल। वो जो छोटी ट्रेन है हाँ, बच्चे झूठे झाटे नहीं देते, वो भी चलाई मैं, वो भी खड़ी करके दही ले आता सी। बच्चे कहते थे आ जाओ मामू आ जाओ अंकल आ जाओ। अच्छा जो ट्रेन बड़ी एक्सपोज हुई छांगे मांगे वाली जी जी, बड़ी है फिल्म। अगर फिल्मों की बात करें तो पेलहम 1-2-3 या अनस्टॉपेबल, दोनों ही डेंजल वाशिंगटन की, और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, हाँ वो एक पुरानी फिल्मों में है, बहुत ही शानदार फिल्म। और श्री पद्माश नहीं देखी तुसी? नहीं मैंने नहीं। जब दौड़ते जेल दे विचो मेरी ट्रेन दे थल्ले लुके सन इंज करके। तो आप कहाँ थे उस वक्त? मैं उधर दही लैन गया। और ये ट्रेन मैं 3 दिन चलाई है जी। तो फिर छोड़ी क्यों? उत्ते खट्टा दही मिलता है। यार ये क्या आदमी है भाई। और इन ट्रेन तो इन्हें कढ़िया जी। वो क्यों? बस जाना जाना उतो कह रहा थे बाजी की पकाया आज। बड़ी लंबी बात करता है ये बावरा। और वो पाजी नहीं पीछे बैठे? जी जी। यह जो मतलब कचहरी नहीं फिर रहा था। वो क्यों? पाजी झूठा गवाह चाहिए हो तोड़ा खादम आवे। नाजरीन बक्टू एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवेगा चन माही करेंगी गल्ला प्यार दिया। ओ आवेगा चन माही। भाई की मसला की है को इतने हरून साहब वाल बेटा होया है? या उन्हें को शेर अच्छा कहता है या चद्दर? किधर आए हो, अंदर कैसे आए हो? गार्ड्स नहीं थे बाहर? भाई ताड़ियां भी मुच्छा ही हैं, दहशत दोशत को। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन पीडीएम ने एक मरतबा फिर हाइबरनेशन में जाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने जो अगली तारीख दी है वो भी जानबूझ के दी है, 23 मार्च, जिस रोज लॉन्ग मार्च ना हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि इनको हमारी मुश्किलात का एहसास नहीं है, ये इक्तदार की जंग है जो ये हर वक्त लड़ते हैं। वगर ना इस वक्त जो हालात हैं पोस्ट कोविड, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया की खसूसन पाकिस्तान की, या डॉलर देखिए कहाँ चला गया, उसके अलावा महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इस वक्त अगर कोई हकीकी ऑपोजिशन होती तो उसके लिए खेलने को मैदान खुला पड़ा था। हम लोग यानी आम आवाम सिर्फ एक मोहरा है जिसे ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और जब चेकमेट कर लेते हैं मुखालिफ को तो फिर बराजमान हो जाते हैं अपने इख्तदार की सीट पर और भूल जाते हैं कि हम लोग भी मुश्किल का शिकार हैं। यहाँ एक मरतबा फिर मुझे
जावेद अख्तर साहब के लिखे हुए अल्फाज याद आ रहे हैं कि ये खेल क्या है। वो कहते हैं, मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी और अब मेरी चाल के इंतजार में। मैं कब से सफेद खानों स्याह खानों में रखे मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं खिलौने, तो जीतना क्या है हारना क्या है, बेशक ना ये जरूरी ना वो अहम है। अगर खुशी है ना जीतने की ना हारने का ही कोई गम है, तो फिर खेल क्या है। ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है तो इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई भी मोहरा रहे या जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कोई आंच भी ना आने पाए। वजीर ही को है बस इजाजत जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, कोई प्यादा जो घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। वाह। मैं सोचता हूं यही है उसूल, तो फिर उसूल क्या है। यही है ये खेल, तो फिर ये खेल क्या है। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूं। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में। अच्छा सर, ये फरमाया थे जनाब जावेद अख्तर साहब ने। जी जी जनाब, इस कदर क्यों परेशान है? छपियां ने अखबारा दे विच। ओ भाई भी जाओ। क्यों भाई, कौन हो तुम? न्योले दी चुंझुं जी भी जा। आवेगा चन माही करेंगी गल्ला प्यार दिया। आवेगा। भाई साहब, पैसे तुसी यार भाई को लेंदे हो, इन्हां नाल क्यों बजाउंदे हो? आवेगा चन माही करेंगी गल्ला प्यार दिया। आवेगा चन माही। भाई की मसला की है, को इत्थे हरून साहब वाल बेटा होया है? को शेर अच्छा कहता या चद्दर? और किधर आए हो, अंदर कैसे आए हो? गार्ड्स नहीं थे बाहर? भाई ताड़ियां भी मुच्छा ही हैं, दहशत दुशत को। और मेरी बात सुनो। जी जनाब। हम अपना शो कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमें देख रहा है, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। इड़े कैमरे जो वो तुम्हारा सामने कैमरा है। जी जी। आवेगा चन माही करांगी गल्ला प्यार दिया। अच्छा इन्हां दे ज़ेहन च कैमरे च भी वेल आ सकदी है। साढ़े को बैठे अपना सिंगर है। केड़ा जनाब? ओ देख, लगदा ना मरातब अली दे पंजवीं च पढ़दा। अच्छा बात सुनो। जी जनाब। क्यों आए हो हमारे शो में? असीं इत्थे सियासी गल्लां करना है। जिहड़ा तेरे नाल खान साहब इत्थे आम गल भी नहीं सही करदा। अच्छा चलो, अब तुम आ गए हो तो कुछ सियासी पेश करो। तुम्हें धांधली भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें धांधली भूल जानी पड़ेगी, जरा ही भी हम आजमा कर तो देखो। अच्छा वो देखा, वो दे रूदर बंदे ने ना पढ़े लिखे भी थलो इंज करन दे। ओ खुदा के लिए छोड़ दो अब जहालत। वाह। ये दुनिया कहां से कहां जा चुकी है। वाह वाह वाह। ये दुनिया कहां से कहां जा चुकी है, कहां तक चलाओगे तुम अपने ठप्पे, कहां तक चलाओगे तुम अपने ठप्पे। Okay. ये कालक जरा अब हटा कर तो दे। वाह 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 वाह। तुम्हें धांधली हो धांधली भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें धांधली। लो जी जनाबे वाली, नवा शेर दे नाल दा बनाया। बेटा कुर्ते दे नाल दा पजामा भी बना, बहुत बुरा लगा। है सोचो पे जाले जुबानों पे ताले, सोचो पे जाले जबान, है सोचो पे जाले जुबानों पे ताले, अनोखी तभी खां मियां ये निकाले। वाह। नहीं डल सकेगी अब इसमें अल्फी, नहीं डल सकेगी अब इसमें अल्फी, जो डाला है रो
लामुकार। जी हासले गजल शेर जनाबे अली जी अता करें। ओ न मुर्दा कोई आके डालेगा वो टब, न मुर्दा कोई आके डालेगा वो टब, बड़ा ईवीएम का ये एहसान होगा, बड़ा ईवीएम का ये एहसान होगा, इलेक्शन के दिन वो कब्र में रहेगा, इलेक्शन के दिन वो कब्र में रहेगा, सरा भूत उस का बुला। बहुत खूब अड़े दोनों जो लिखे आगे ने ये भी एक एंकर है जनाब जी ने लेके। ओ चलो निकलो यहाँ से। चलो 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 दिलचस्प गल है, दिलचस्प गल है। जिन्ने भी लिखे अच्छा लिखे है, असि तुहानू जुत्ती तो नहीं लेदे तुसीं। हमारे साथ आज हुसैन कादर मौजूद है। हुसैन कादर स्पिनर है जी। हाँ जी 6 गाने आउट कर चुका है भाई, आपके सामने मौजूद है। अच्छा कादर भाई ठीक। इनके वालिद बहुत अच्छा गाते हैं। पहले इन्होंने वालिद साहब गाते थे जी हाँ, हूँ ये गाने लग गए जी हाँ। कि बेटा की वजह, अब्बा जी अच्छा नहीं सिखाते। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।